This call is now being recorded. या जेहर गैन या वेरी ग्लैडली. ओके जस्ट रीड. या जेहर गैन या जेहर गैन. ओके अगर देखो आप ये इधर देख इधर साइड देखिए, या जेहर गैन मीन्स बहुत ज्यादा पसंद है. क्या है? बहुत ज्यादा पसंद है. गैन मीन्स ठीक है, आपको अच्छा लगता है. ठीक है. निस सो गैन मीन्स मतलब अच्छा नहीं लगता. ठीक है. नॉट सो गुड. ओके. और यूबर हाउक निस मतलब कि आप उसे नफरत करते हो. ओके इज इट क्लियर? तो आप मुझे बताइए जेहर गैन का मीनिंग. बहुत ज्यादा पसंद है. वेरी लाइकली. ओके वेरी लाइकली. नेक्स्ट गैन. गैन मीनिंग हो गया मुझे likely. पसंद है. आई लाइक लाइकली. ठीक है. मतलब बहुत अच्छे फेवरेट भी नहीं है और इतना बेकार भी नहीं है. ठीक है. नॉट सो गैन मींस आई डोंट लाइक. डोंट लाइक. और यूबर हाउकनेस मींस नॉट एट ऑल. आई डोंट लाइक सो मच. या वेरी गुड. ओके इज इट क्लियर? नेक्स्ट. यस सर. या नेक्स्ट. वी विल इज टू नेम टू डॉग्स इज टू पेन. रॉन्ग. ओके आप इसे अच्छे से पढ़िए एक बार, मैं आपको बताता हूँ. ठीक है. वी फील अ स्टूडेंट. स्टूडेंट मींस स्टूडेंट. आवर्स. फील अ मींस मैनी. ओके हाउ मैनी आवर्स प्रो टाग. प्रो टाग मींस पर डे. ओके जीस मींस टू वॉच. Do fan. Fan means TV. Okay. इसका मीनिंग क्या हुआ मान्य? We many hours per days is to watch to TV. Yeah. We watch TV so many hours in a day, in per day. How many hours per day do you watch TV? Okay. वी मीनिंग क्या होता है? हाउ क्या होता है? हाउ मेनी आवर्स पर डे डू यू वॉच टीवी. ओके सो मान्य प्लीज टेल. वी फील अ स्टूडेंट प्रो टास्क इज टू फैन. स्वाय स्टूडेंट. ओके स्वाय स्टूडेंट मीनिंग टू आवर्स. वेरी गुड. ओके फोन वन बिस वन. फोन वन बिस वन मीन्स फ्रॉम वेन. Till when? कब से कब तक? Just please tell. कब से कब तक? ओके सो मीनिंग क्या हुआ मान्य? आई फ्रॉम 8 o'clock टिल 20 नहीं सॉरी फ्रॉम 18 o'clock. देखो 18 को बोलते हैं हम 6 o'clock. कितना बोलते हैं? 6. ओके सर मुझे समझ आया. समझ आ गया. अब मैं बोलूं फिर से? या प्लीज tell. From 6 o'clock where? Yeah. Till 8 o'clock. Till 8 o'clock. Very very good. Okay. Is it clear? Yes. Okay. Sir. So. Yeah. Just read dry. Dry. Read this one. Mark eine Umfrage in third class. ओके उम्फ्रागा मीन सर्वे. आपको अपनी क्लास में सर्वे करना है. अभी हम क्लास तो अभी और स्टूडेंट तो है नहीं तो हम आपस में कर लेते हैं. ठीक है. ठीक है. सो योर नेम इज. सो तुम लोग पेंसिल निकाल लेती हूं. श्योर श्योर मान्य. ठीक है. ओके सो योर नेम इज मान्य.
सो मान्या मैं आपसे पूछता हूँ, वी फील स्टूडेंट प्रोटा ओ सॉरी बिजू आइन फैन जे फैन बिस्ट डू आइन फैन जे फैन जेग आप आंसर दीजिए या जेर गैन या गैन उधर नाइन मिक्स हो गैन आप बताइए आप देखते हो टीवी सर अब तो देखते हैं ओके सो ठीक है नाइन अगर अगर पहले देखते तो या ठीक है वी फील ए स्टूडेंट प्रोटा हाउ मेनी आवर्स पर डे पर डे आइन आइन ओके फोन वन बिस वन कब से कब तक So, we are then 2 years and two zips then. Okay, fear then. अच्छा fear then. Fear then. फोन बेस फिल्म सेन अगर आप वन आर देखते हो तो फिल्म सेन तो वन आर होते हैं इज इट क्लियर यस सर वेरी गुड ओके ओके या ओके सो अगर आपको क्वेश्चन पूछना है कैसे पूछोगे किसी से फोन वन बेस वन फोन वन बिस वन जीस डू फैन या आप लिख लीजिए फोन वन बिस वन जीस डू फैन ये भी लिख रहा है फ्रॉम वैन टिल वैन डू यू वॉच टीवी ओके So phone action based on this word. Okay. Okay. Just give me a minute. आपको मैं बताता हूँ कि क्या important है सारा कुछ नहीं देखेंगे हम Okay. Just read. So watch. Okay. Just. Lena Z yeah. N Z Z Why student fruit of pain? Yeah. Uns why war? Oh, I've seen bills. This one's a good game. Yeah. Kamal. Zeep Nick. So game pain. EOZ. Meaning? Meaning Lena Zeep. Game pain. Lena like. To watch TV. To watch TV. Yeah. Zeed twice to name. She watched TV 2 hours. Very good. Per day. Protag. Per day. One. Adzen. This. One. Means. Okay. Four. 6 o'clock. Se leke 8 o'clock. See. Very good. Very good. Okay, next Kamal line. Ji, next. Kamal ko TV dekhna pasand nahi. Okay, very good. Is it clear na? Yes, sir. Yeah. Okay, just read this one. Yes, sir. Ish, oh sorry. Ish, Zahem, Ken, Klime, Unzu Sports, Jun, Zendungan. Sport Zendungan. Sport Zendungan. Undu yeah. War. Zeest du game. Means. Do you like watch film? Film. Okay. Is there again filma? Meaning. No. One more time. Do you like. Oh sorry.
स्पोर्ट्स प्रोग्राम. डू यू लाइक फिल्म फिल्म एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम? मान्य आपको इसका मीनिंग बताना है. इज दे हैव गैन फिल्म मीनिंग इश जेह गैन फिल्म इसका मीनिंग आपको बताना है. डू यू लाइक वॉच फिल्म? डू क्यों लगा रहे हो आप? इश मतलब आई होता है ना. आई लाइक वॉच फिल्म. वेरी गुड. उंड स्पोर्ट जेंडुंगन एंड स्पोर्ट आई लाइक टू वॉच फिल्म एंड स्पोर्ट्स प्रोग्राम. वेरी गुड. एंड नेक्स्ट लाइन उंडू वाजीस टू गेन. ओके सो मान्या प्लीज टेल वाजीस डू गेन व्हाट डू यू लाइक टू वॉच? आई लाइक टू वॉच सर कार्टून. को क्या बोलते हैं? कार्टून को हम बोलते हैं आई विल राइट हियर. ओके एक तो आप बोल दीजिए देयर कार्टून. यू कैन से कार्टून. और वन मोर पॉइंट वर्ड इज देयर दी कारी काटुआ. ओके कारी काटुआ. या यू कैन से एनी यू कैन से राइट नाउ देयर कार्टून. ओके इज देयर गैन कार्टून इश इश देयर गैन या दी कर्टर कार्टून जेंडुंगन. जेंडुंग मींस जेंडुंगन मींस प्रोग्राम्स. ओके जेंडुंगन मींस प्रोग्राम्स. ओके सो मीनिंग ओ ग्रामेटिक. ओके जेहिन मींस क्या होता है मान्या? मैंने क्या बताया था आपको अभी? टू वॉच. इसके साथ क्या लगता है आपका? ईव. इश जसवीड इश इश के साथ हमारा ई लगता है. हाँ तो आप बोलिए इश जेह इश जेह डू जीस्ट. ओके सर इश जेह टू जीस या जी एस जी फिल्म. इज इट क्लियर? वीर के साथ हम ई एन लगाएंगे एर जी एस. सर मैंने वो याद करा तो मुझे पता है इसके साथ क्या क्या लगता है. ओके वेरी गुड. मैं आपको एक बात और बता देता हूँ. आई ई यहाँ पे लगेगा. आप इस चीज का भी ध्यान रखना ठीक है. आई ई लगेगा ठीक है. यस सर. ओके ओके तो जस्ट रीड वेट वन मोर पॉइंट. वेट वेट मान्या आपको ना आरबाइट्स बुक से पेज नंबर 23 to 24 एक्सरसाइज नंबर 1, 2, 3 एज अ होमवर्क में करनी है. ओके पेज नंबर मैं ये होमवर्क क्या सर एक बार मैं देख लूं एक बार कि ये कैसे क्वेश्चन जो नहीं आए वो आपसे पूछ लूं. हाँ वो आप मेरे से पूछ सकते हो. 23 का 23 का आई विल टेल 23 का 1, 2, 3, 4 सर मैंने तो कर रखा किया हुआ है. एक बार आप नोट मतलब एक बार आप अगेन देख लेना ठीक है. नहीं अगर मतलब मैंने दूसरा नहीं कर रखा. दूसरा नहीं कर. हाँ वो आप कर लेना. आप मेरे से ना व्हाट्सएप पे पूछ लेना. अगर आपको नहीं आए जब भी आप होमवर्क करो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना ठीक है. इज इट फाइन? यस सर. हमारा कल या परसों में थ्री चैप्टर कंप्लीट होगा? यार वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितनी जल्दी पढ़ते हो. अगर आप टाइम मतलब ऐसे ही आपको नहीं आता होगा तो मुझे टाइम लगेगा. अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो मैं आपको जल्दी जल्दी करा दूंगा ठीक है. तो अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो मैं जल्दी जल्दी करा पाऊंगा ठीक है ना. तो
सर मैं आपसे एक बार पूछ लूंगी फोन में। हाँ आप मुझे पूछ लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। सो हाँ जस्ट रीड मान्या, जस्ट रीड 10 10 1 ओके सर। सर क्वेश्चन, या बी फिंडेस टू दी सेंडिंग मिनी डायलॉग, इसका मतलब है कि इधर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं छोटे छोटे मिनी डायलॉग। रॉन्ग, इसका मीनिंग है वी फिंडेस टू दी जेंडुंग, हाउ डू यू फाइंड दी चैनल्स, ओके, स्पील्ड मिनी डायलॉग, जस्ट प्ले इन द मिनी डायलॉग्स, ओके। देखो जैसे आप क्वेश्चन पूछना है टीना, वी फिंडेस टू डैन फिल्म, हाउ डू यू लाइक दैट फिल्म, ओके ओके। आंसर कैसे करेंगे, इस फिंडर इन स्पानेंड, स्पानेंड मींस एक्साइटिंग, ओके क्या करेंगे सर, फिंडे का मतलब, सर फिंडन का मतलब क्या होता है, टू फाइंड, लाइक हाउ डू यू फाइंड दिस मूवी और जो भी आपका है, ओके सर। फिंडन मींस, ओके अच्छा आप एक बार ये सबके मीनिंग देख लीजिए, जस्ट रीड दिस वर्ड, कॉमेडी, कॉमेडी मींस कॉमेडी शो, ओके नेक्स्ट वन, डॉक्यूमेंटार फिल्म मीनिंग डॉक्यूमेंटा, सॉरी सर फिल्म मीनिंग डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म, ओके नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, कल्चर प्रोग्राम मीनिंग, सर ये तो आंसर करेक्ट, कल्चर प्रोग्राम, ओके वेरी गुड, नेक्स्ट वन, स्पोर्ट्स टेंगुइन, स्पोर्ट्स प्रोग्राम, वेरी गुड, नेक्स्ट वन, कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट, ओके नेक्स्ट वन, टॉक शो मीनिंग, टॉक शो, ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, क्रीमी, ओके क्रीमी मींस क्राइम, ओके क्रीमी मींस क्राइम, ओके नेक्स्ट वर्ड, नेक्रिचेन, नेक्रिचेन मींस, ओके या नेक्स्ट वन, मैगजीन मतलब मैगजीन, ओके वेरी गुड। अच्छा अगर आप जैसे वी फिंडेस डू कुल्टूर प्रोग्राम मान्या, सो आंसर इज फिंडर, इज फिंडर आइनन स्पेनेंड, इज फिंडर इन स्पानेंड, ओके इज फिंडर इन स्पानेंड मतलब क्या होता है, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग, ओके इज इट क्लियर, यस सर, ओके और यहाँ पर इन नहीं लगेगा, इश्फिंडा एस एस आएगा क्योंकि आर्टिकल इसका एस होता है, ओके दैट्स व्हाई वी विल यूज एस, इश्फिंडा एस स्पानेंड, अगर हम कल्चर प्रोग्राम की बात करेंगे इश्फिंडा एस स्पानेंड, ओके देखो ये कुछ ऐसे वर्ड है जो अपनी फीलिंग्स बता सकते हो, टॉल मतलब ग्रेट, ठीक है टॉल, या नेक्स्ट वर्ड इंटरेसेंट, इंटरेसेंट इसका मतलब इनोसेंट, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ओके नेक्स्ट वर्ड नॉट इंटरेस्टिंग, ओके रीड द वर्ड लुस्टिंग, अरे दिस वन डियर दिस वन, अच्छा अनइंटर, सॉरी अनइंटरेसेंट, उन इंटरेसांड, उन इंटरेसांड, ओके नेक्स्ट वर्ड इज लुस्टिंग फनी, लुस्टिस इज फनी, नेक्स्ट वर्ड इज फ्लॉड इज स्टूपिड, इज स्टूपिड, स्टूपिड,
Stupid. Langweilish. Next word, read. Langweilish. Meaning? Langweilish. Meaning boring. Boring. Okay, next word is? Unterhaltsam. 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 Entertaining. Entertaining. Okay. Yeah, next word. Informative. Okay, meaning? इन्फॉर्मेटिव, जिसमें काफी नॉलेज मिलती है, जैसे न्यूज. नाक्रिस्ट, नाक्रिस्ट में क्या होता है? इन्फॉर्मेटिव. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फैन मींस एक्साइटेड. एक्साइटिंग. ओके, सो आई विल आस्क यू मान्या, आई विल आस्क यू माइना. मान्या, वी फिनिश टू कॉन्सर्ट. कॉन्सर्ट, या Ich finde es es langweilig. Langweilig, okay. Wie findest du creamy? Creamy. Yeah. Ich finde es interessant. 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 Sand. Okay, very good. Just give me a minute, then I will tell you. Okay. Sir, जो जरूरी है वो ही पढ़ा रहे हो. आप बताइए क्या पढ़ाऊँ मैं? बताइए आप क्या पढ़ाऊँ मैं? Sir, मुझे timing आती है, जो आप नीचे timing पढ़ाओगे. आपको आता है? अगर आपको आता हो तो फिर जल्दी से हम नेक्स्ट उस पर आ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट उस पर. तो अभी आप ये पढ़िए एक बार. देयर फिन, देयर फिल्म. देयर फिल्म कैसे बोलेंगे? इस फिंड इन स्पानिंग. ओके, नेक्स्ट इज दी जीरी. जीरी. ओके, इस फिंड जी लुस्टिंग. लुस्टिश. लुस्टिश मींस फनी. ओके, फनी. नेक्स्ट इज दास प्रोग्राम. Yeah. Ich finde es langweilig. Meaning? Ich finde Programm I like. Langweilig is boring. Langweilig is boring. Okay. Next word is die Nachrichten. Next word ich is die Nachrichten. Ich finde sie interessant. इस फिंडर जी जी. ओके, अगर आर्टिकल दी रहेगा तो जी आएगा, अगर आर्टिकल दास रहेगा तो एस आएगा, अगर आर्टिकल देयर रहेगा तो क्या आएगा? देयर रहेगा तो इन. ओके, इन आएगा. आपको 24 और 26 पेज नंबर पर 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारी एक्सरसाइज करनी है एज अ होमवर्क. ओके, अच्छा ये लिख रहा है. आपको देखना एक बार, देख लीजिए. ठीक है, ओके सर. आपने देख लिया तो मुझे बता देना एक बार. हाँ सर, ये जो इसमें लिखा है, एक चीज देख लो बस, ये जो इसमें लिखी है ना, 25 पेज में माइनर लेबल स्टूडेंट, इसमें जो फिल्म लिखी उसको बताने की फिल्म हमें पसंद है कि नहीं. फिल्म हम कैसे लिखते हो? रोस्ट, लुस्टिंग, इनफॉर्मेटिव, फैनिन, इंटरेस्टिंग, टोल. या ओके. और ये नीचे वाला स्ट्राइव, डेजर्ट, गेंजर, स्टेट्स, फिल्म इन. इसमें पहला क्वेश्चन है माइन लीबलिंग फिल्म. इस तो इसमें भी क्वेश्चन भी खुद बनाना है, तो आंसर भी. यस, ओके. एक बार जब मैं पढ़ूंगा ना, मैं आपको बता दूंगा. अभी आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, क्योंकि टाइम का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. टाइम इम्पोर्टेंट है. ओके,
ठीक है, आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है, आपको जो भी डाउट होता है, ठीक है, मान्या? यस सर। ओके अच्छा सर आप बताइए क्विज शो क्या होता है? क्विज क्या पोजीशन? शो क्विज शो क्विज शो वो होता है जो मतलब जैसे जैसे आपका करोड़पति आता है ना, इस टाइप का होता है क्विज शो, जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं और ऑप्शंस होते हैं, आपको में से बताना है ऑप्शंस। ओके कौन सी पेज पर है आप मुझे बताइए, कौन सा पेज पर है? 25। पेज नंबर 25। आप देखना सामने कौन सा वाला है। एक्सरसाइज नंबर कौन सी है? सिक्स सेवन है। एक्सरसाइज नंबर 7, राइट? सर पीछे 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 बताइए कहां पर है? और पीछे सर आगे आगे ये ये वाला रहा ये रहा देख। सर ये वाला तो समझ आ गया उसकी नी हाँ ये वाला समझा दो कौन सा वाला? जी खेन वाला जी खेन ट्रिक सीरी क्या होता है? हाँ हाँ मैं बता दूँ, ये वाला क्विज ट्रिक सीरी वाला सॉरी ये वाला नहीं नहीं ये वाला नहीं और अरे ये ये वाला है। नहीं मैं कैसे बताऊं आपको वाला नहीं ये नहीं और बताइए कैसे बताओगे, बताइए। 7 है ये भाई, ये वाला ये बताइए। इसमें से देखो कौन सा है? क्रीमी के नीचे वाला क्रीमी के नीचे वाला ये जाइसन हाँ पिक जीरी, ये वाला ओके। जाइसन ट्रिक जीरी होता है आपका एनिमेटेड फिल्म। जो एनिमेटेड मूवी आती है ना 3D में, तो यस सर उसे बोलते हैं जाइसन ट्रिक जीरी। ओके एनिमेटेड कार्टून फिल्म, आपने जो भी देखी हो ना अपनी लिखनी है इसमें, ठीक है? जैसे टॉम एंड जेरी नहीं आता था, टॉम एंड जेरी मान्या? यस सर प्लीज स्पीक, आपको समझ में आ रहा है? जाइसन यस ट्रिक्स सर जीरी कौन से होते हैं? एनिमेटेड फिल्म जो होती हैं, कार्टून्स जो होते हैं, ठीक है? अच्छा अभी हम टाइप करें। यस सर अच्छा आप बताइए कितने, ये कितना ओवर्स है आप मुझे बताइए। फर्स्ट वाला बुक में नहीं देखना है, ठीक है? बताइए फर्स्ट वाला कितना टाइम है, ये न्यू कितना? न्यू 9 ओवर। नेक्स्ट वाला 12 ओवर। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला 8 ओवर प्राइजिंग आप बुक में तो नहीं देख रहे, सर नहीं जस्ट ओपन योर कैमरा। नेक्स्ट वन मान्या? नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन या वियर सॉरी वियर्स एंड ओवर ट्राइबिक द्राइसिश। नेक्स्ट वन जेन उहा फिर से एक बार आप फिर से देख रहे हो नीचे। सर नहीं देखा ओके आप इसे पढ़िए फिर।
ये वाला वेन हुआ, हाँ वेन हुआ फियोंसेन. ओके नेक्स्ट वन ज्वांजे कुहा फियोंसेन. ओके नेक्स्ट वन न्यान कुहर न्यान कुहर फियों उंड वियाजे पियासे. नेक्स्ट वन आगजेन कुहा फुन फुन वियाजेश फुन फुन पियासेस. ओके आपको ये आता है अच्छे से, बहुत बढ़िया. ओके अभी अब हम करेंगे. ओके आप मुझे ये बताइए, अगर आर्टिकल देयर होगा तो क्या लगेगा? फाइनल. अच्छा अगर फेमिनिन होगा तो क्या लगेगा? फेमिनिन होगा तो आईना. आईना. अगर दास होगा तो क्या लगेगा? आइन. और अगर प्लूरल होगा तो क्या लगेगा? प्लूरल होगा तो ही प्लूरल. कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं लगेगा. ओके सो आप मुझे टाइम बताइए कितना कितना है ये. वी फील हुअर स्ट्रेस. आंसर राइजेन ट्राइज इन ओवर ट्राइपिक. या नेक्स्ट वन आग जेन ओवर फ्यूजिश. ओके नेक्स्ट वन. यस सर. आई उन ज्वाई ओवर जेन. ओके नेक्स्ट वन Zyban, Zyban Zahen, Uhar, Zipsen, 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 Uhar, yeah, Uhar, Sanjit. Okay, next one. Yes, sir. Fiersen. Fiersen. Next one. Next one. Next one. Zwei und zwei gehören fünf und wir sind. Okay, very good. अच्छा आपकी मैम ने कुछ बताया है कि ये आएगा, और एक बार मैं सिलेबस देख लेता हूँ चैप्टर थर्ड में से क्या आएगा. नहीं सर, उसने लिखा था कि इमेज ट्राइबन बस लेक्शन वन का आएगा. क्या आएगा? Image Triban Bus Lection 1 का आएगा. तो मैंने आपको लिखने को दिया था. सर मैंने आपको भेजा था ना जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे उसके मीनिंग्स. हाँ आपने मुझे भेज दिया था, एक मिनट. हाँ इसमें लिख रहा है लेक्शन 1 और सेकंड का भी लिख रहा है मान्य. आप एक बार जो मेरे पास होमवर्क आया है मैंने आपको उसमें से बता रहा हूँ. ओके और इसमें काफी कुछ है अभी, टाइम लिख रहा है. ओके ये वाला मेल नहीं आएगा, इसे हम नहीं करते, ठीक है, ये नहीं आएगा, ठीक है, हम नहीं करेंगे इसे. ओके आप इसे घर से करके आओगे, इसे आप बोलोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, होमवर्क. किसकी प्रैक्टिस करूंगी? ये टाइम की बोलने की, टाइम जो टाइम लिख रहा है ना यहाँ पर. सर मुझे आपको बोल के भेजना है फिर ठीक से? नहीं 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 आप खुद से ही बोल लेना, ठीक है, आप अपने आप से बोल लेना, ठीक है. सरिया बोलिए. खुशी खुशी. ओके सर हमने चैप्टर खत्म कर दिया. यस ओके हम इस पर आ गए हैं अभी. अच्छा अच्छा जो हमने अभी टाइम देखा था वो था कौन सा? ऑफिशियल टाइम. अब कौन सा पढ़ रहे हैं हम? अब हम पढ़ेंगे इन ऑफिशियल टाइम. आपको आता है इन ऑफिशियल टाइम? सर उसमें बस ये पता है कि उसमें बीच में कुहेर की जगह नाक ने सॉरी नेक बियहाब लगता है. ओके मैं आपको कराता हूँ थोड़ा सा. आपको वैसे याद है थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा सा तो पूछ सकते हो आप ऐसा तो थोड़ा सा. हाँ मैं पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ. अच्छा आप ये बताइए ये क्या लिख रहा है? फियोटेल नाक स्वाय.
beer till max, right? Yeah. So beer till मतलब क्या होता है? 15. 15 after 2. 2:15 कितना हो गया? 2:15. ओके आपको नहीं आता करेक्ट, मैं आपको करा देता हूँ ठीक है. ठीक है आप एक बार जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो ध्यान से समझना ठीक है. नाक मीन्स होता है आफ्टर, नाक मीन्स क्या होता है? आफ्टर. ठीक है और आपका हाल्ब मीन्स होता है हाल्फ, हाफ क्या होता है? हाफ. ओके फोर मीन्स होता है बिफोर, क्या होता है? बिफोर. ओके फियटल, फियटल मीन्स होता है 15. सर याद करना है. हाँ ये आपको याद करना है तभी आप टाइम को बता पाओगे ठीक है. सही, दो मिनट में होमवर्क लिख लूं फिर ये वाला. आप लिखिए जल्दी से फटाफट. मैं लिख लेती हूँ तेरे घर पे, टाइम मिला तो याद कर लूंगी. यस आप बताइए मुझे. मैक इज इक्वल टू आफ्टर, हाफ इज इक्वल टू हाफ, ओके देखो अभी मैं बता रहा हूँ कैसे होगा ठीक है. ये अगर हमारी घड़ी में 2 बज रहे हैं तो इसे कैसे बोलेंगे हम? सोए उवर, क्या बोलेंगे? सोए उवर. ओके अगर घड़ी मिनट तो इसे कैसे बोलेंगे? फियटल नाक वाय, फियटल नाक वाय. ओके नेक्स्ट इज अगर हमारी वॉच में हो रहा है 2:20 तो कैसे होगा? 2:20 के लिए यूज होगा ज्वांजिक नाक वाय. ओके अगर हमारी वॉच में हो रहा है 2:30 2:30 हो रहा है तो कैसे बोलेंगे हम? हाफ ड्राई. देखो अगर 2:30 हो रहा है तो हम हाफ ड्राई बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाफ. अच्छा हाफ ड्राई. ओके अगर हमारी चार भी पांच भी छह भी क्या चीज मतलब कुछ भी बज रहा हो जैसे 4:30 6:30 फिर भी उसको 3:30 है, 3:30 है वैसे वाला नहीं. जैसे देखो जैसे इसके जैसे ठीक है आ गया. सर ऐसे नहीं कुछ बताइए. मैं कैसे बताऊं, इधर कुछ चीज है क्या जिससे कुछ बता सकते हैं? नहीं नहीं वापस सर मैं कुछ चीज जो फिर उसे बता सकते हैं.
2 minutes. Can we start? Sir, 2 minutes. Okay. ये रहा सर, मुझे मिल गया। बताइए। इसमें तो मैं ऐसे बता रही हूँ। सर जैसे होता नहीं, जैसे 230 लिखा है इससे, ठीक है, अगर 2 की जगह हम 430 लिख दे तो इसमें भी हाफ ब्राई आएगा। नहीं, मैं आपको वही तो बताने वाला था। देखो, अगर 330 लिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे? अब फियर क्या बोलेंगे? मतलब 330 तो हाल फियर, अगर 430 है तो क्या बोलेंगे हम? हाल्ब। अच्छा आप बताइए, 730 है तो क्या बोलेंगे हम? वेरी गुड। ओके, अगर बताइए 930 है तो क्या बोलेंगे हम? हाफ देन। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर टाइम हो रहा है 2:25 तो कैसे बोलेंगे हम? तो हम बोलेंगे फ्यून पॉइंट वांजेग नाग वाई। ओके, वो भी बोल सकते हैं, वो आपका सही है, हम ऐसे ही सब बोल सकते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए, 230 को कैसे लिखेंगे हम? 230 हाल दराय। ओके सर, सिंपल वे में कर लेते ना, हार्ड वे में नहीं। 4:05 डियर, ये आपकी बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है? देखो हाल दराय कितना होता है, मान्य means 2:30. ओके, और इसमें से आप 4 means before और 5 means 5. अगर 2:30 में से 5 पहले, before means पहले, तो कितना हो गया? 2:25. ओके, अब मुझे ये बताइए, आप 2:35 को कैसे बोलोगे? सर मैं लिख लूं? आप लिख लीजिए। सर ये तो मतलब बताइए। सर बता रहे। बिल्कुल, मुझे नहीं पता। ओके, देखो इसे बोलेंगे। अच्छा आप बताइए, 2:30 को कैसे लिखते हैं हम? हाफ ब्राय। ओके, नाक मींस? नाक मींस आफ्टर। ओके, और फ्यून्स 2:30, नाक मींस आफ्टर और फ्यून मीन्स 5, तो कितना हो गया? 2:30 के बाद 5।
इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, आप मुझे बताइए 245 को कैसे बोलेंगे हम? 245 को सर फ्यूमसेन। ओके, फ्यूमसेन को फियरटेल बोल सकते हैं हम? हाँ, फियरटेल। फियरटेल नाक तो हार्ब्राइ। अच्छा, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, आप मुझे बताइए। नो सर। क्यों नहीं बोल सकते? डिराइव मीनिंग फोर मींस बिफोर। बिफोर मतलब माइनस, फियरटेल मींस 15। तो थ्री ओ क्लॉक में से 15 मिनट्स माइनस कर दिए, कितना हुआ? 250 सर बता रही हूँ। सेन फोर फोर ड्राइव वन। श्योर? यस सर। ओके, आप मुझे बताइए कितना टाइम है? ड्राइव वन। ओके, आप मुझे बताइए कितना है? सर 220। ओके, आपको आ गया समझ में, करेक्ट? यस सर। ओके, सो वी फील उअर इज दिस मीनिंग। व्हाट टाइम? What time is it now? Is it? Okay. Sir, वो है का मतलब तो clock होता है। हाँ, तो इसका अगर वैसे हम जो बोलते हैं, वैसे ये भी time बोल same meaning होता है, what time is it? Okay. मान्या? Okay. Yes, sir. Yeah. नेक्स्ट okay. अच्छा, आप मुझे ये टाइम बताइए कितना कितना हो रहा है। वेल्चर उवर साइट, वेल्चर साइट। ओके, 1 2 3 4 6, देखो 6 क्लॉक दी हुई है यहाँ पर और 6 ही ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ। आपको बताना फर्स्ट वाला कौन सा है इसमें से। सर ऐसे तो ना बता पाऊंगी, इसमें तो दिख भी नहीं रहा कैसे है। क्या नहीं दिख रहा? आपके यहाँ बुक नहीं है क्या? हाँ, तो चलो आप मुझे ऐसे बता दीजिए, ये कितना टाइम है? सर ये वाला टाइम है 3 वाला। 3 वाला, ओके, वेरी गुड, ए ठीक है। सेकंड वाला सर ये वाला टाइम है 4 वाला। ओके, थर्ड वन सर 6 वाला।
ओके सी नेक्स्ट डे डी डी यस अल्लाह सर ये है सेकंड बोले सेकंड सर सेकंड हो चुका है हाँ ए सर फर्स्ट वाला ओके नेक्स्ट एफ सर फिफ्थ वाला ओके अच्छा आपको आपको क्या करना है पेज नंबर 32-33 एक्सरसाइज नंबर 1-3 करनी है हेलो मान्या हाँ सर आप एक बार देख लीजिए ठीक है आपको देखनी है ये नहीं आपको पता है एक बार देख लेते कैसी एक्सरसाइज है यस मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर ठीक है सर मुझे पता चल गया मुझे क्या पता चल गया मुझे पता चल गया इसमें क्या ओके आपको कोई डाउट है सर 2 मिनट्स हो गए Yes. आपको इसमें कोई डाउट है सर एक बार देख ले सेकंड वाले में क्या करना है ये ह्योर सु ऑन नोटियट ये जो लिख रहा है वी स्पेट असिस्ट ये वाला इसमें आप ये आपको नहीं करना इसे ना लिसनिंग के लिए है लिसनिंग के लिए स्पीकर बन रहा है वो हेडफोन बने हुए हैं साइड में यस सर हाँ तो ये आपको नहीं करना आप फर्स्ट वाला देखिए एक बारी सर 2 मिनट थर्ड वाला आता है फर्स्ट वाला देखिए जो मैं आपके स्क्रीन पे दिखाया हुआ है आपको इसमें है अब पहले वाले का है हाफ प्राइस सर इसमें तो हाफ प्राइस दे ही नहीं रखा फर्स्ट सेकंड ये है वेट नहीं आप गलत बोल रहे हो छोटी सुई नीचे है आप ध्यान से देखिए अरे हाँ ओके सर 620 हो रहे हैं इसमें 610 अरे मान्य 610 आप ये वाला देखिए यस सर करेक्ट यस सर और दूसरा वाला है सर दूसरा वाला स्पेशल क्या ये वाला हाँ दूसरा वाला ये 4 के आगे क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सा वाला है नहीं बताना नहीं मैच नहीं कर रहा है बता दी ये आपको मैच दी फॉलोइंग है आपको टाइम इसे एज अ घर से करना है इसे ओके ओके मान्या इज इट फाइन यस सर ऐसे ही आपको ये वाला होमवर्क में करना है ओके ओके और आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको होमवर्क में करने हैं ठीक है
आपको ये घर से पढ़ के आना है एज अ होमवर्क, कल मैं इसके बारे में आपको पूछूंगा जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, ओके? फिर हम ये वाली ग्रामर कर लेंगे जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है? मान्य मान्य मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, और एक बार मैं देख लेता हूँ चैप्टर में क्या है, ठीक है? बाकी हम सेकंड चैप्टर का एक ईमेल भी लिखना है हमें, ठीक है? वो हम कल करेंगे, ओके? ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है मान्य? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। आपको अगर कोई डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है? यस सर। ओके मान्या, चूस वीडा ह्योरन और वीडा ह्योरन। यस सर। इज देयर एनी डाउट? नो सर। ओके थैंक यू सो मच। ओके ओके बाय बाय यू सर। या बाय चूस।
नहीं।